जी मैं हूँ गुफरान तबारक। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोगों के सामने कोई भी ऐसे मतलब नंबर ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे 2+2 × 3 आता है, ऐसे अक्सर फेसबुक वगैरह या कोई भी ऐसे हमको देखने को मिल जाता है, ऐसे बोला जाता है इसको मतलब ये कितना होगा, इसको सॉल्व करो। तो हम लोग सिंपल से सीधा बोल देते हैं 2+2 करेंगे, इंटू 3 कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12। लेकिन ये चीज़ गलत है। कभी जो है ऐसे आप चीज़ों कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, ये चीज़ ऐसे नहीं आएगी। ये किस तरीके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसमें BODMS मेथड यूज करते हैं, जिसे भागो जोग बोलते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में भागो जोग को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, DMAS रूल फॉलो होता है। जब भी ऐसे इस तरीके के जो भी अभी पिछले बार हम बताए थे आपको, उसमें का जो ऐसे इस तरीके कोई भी प्रॉब्लम आती है, देखिए उसमें क्या होता है, सबसे पहले का जो डिवीज़न कहीं दिख रहा है मतलब भाग कहीं दिख रहे हैं तो सबसे पहले डिवीज़न करेंगे। वो आगे पीछे कहीं भी दिया हो उससे मतलब नहीं होता है, मल्टीप्लाई है अगर जो दिया है कहीं आगे पीछे कहीं भी जहाँ भी दिया हो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ए है एडिशन, यानी कि जब भी कहीं भी जोड़ घटाना आगे पीछे मल्टीप्लाई के बाद अगर जो मिल रहा है कहीं तो उसको करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि तो फिर घटाएंगे, या जिसे बोलते हैं डी फॉर मतलब डिवीज़न या भागु जोग इसको बोलते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से, देख कुछ एग्जाम्पल से ही देखते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ 70 है, यहाँ +12 दिया है, ÷4 दिया हुआ है, तो अब देखिए हम लोग गलती क्या करेंगे, 70 में हम लोग 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 82 हो जाएगा, 82 में 4 से भाग देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसमें करते क्या है, देखिए DMAS मेथड इसमें फॉलो, सबसे पहले हम लोग वो रूल लगाएंगे डी, सबसे पहले डी फॉर मतलब वो आगे पीछे जाए, यहाँ दिया हो या लास्ट में दिया हो बीच में दिया हो, अगर डिवीज़न कहीं दिख रहा है, अगर भाग का चिन्ह कहीं हमको दिख रहा है तो सबसे पहले हम लोग उसी को करेंगे। तो देखिए 70 है यहाँ पे, 70 को ऐसे ही वैसे लिख देंगे, उसको छोड़े मतलब कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब छेड़ेंगे ही नहीं उसको, इग्नोर कर देंगे बिल्कुल भी, प्लस का चिन्ह है प्लस कर देंगे। उसके बाद 12 है, डिवीज़न में 4 से उसमें भाग करना है, तो सबसे पहले डिवीज़न मेथड होता है, 12 में 4 से भाग करेंगे आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है हमको, लेकिन यहाँ पे गुणा का कोई चिन्ह दिया ही नहीं है तो उस चीज़ को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। अब 70, उसके बाद आता है एडिशन, अब 70 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा, कुछ इस तरीके का ये होता है, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा कुछ और अगर जो इस मेथड से हम जोड़ते फिर भाग देते तो हमारा कुछ और आता है, लेकिन यहाँ पे ये रूल फॉलो होता है DMAS मेथड, जो कि यही सही है। देखते हैं दूसरा और एग्जांपल, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जब दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें देख रहे हैं क्या है कि यहाँ मल्टीप्लाई दिया है, यहाँ भाग दिया है, प्लस दिया है, लेकिन ऊपर क्या लिखा है DMAS मेथड, पहले डिवीज़न, तो पहले डिवीज़न वही चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, डिवीज़न मतलब कहीं भी हमको भाग ही पहले दे रहे हैं, भाग देना है, चाहे वो हमको पहले मिल जाए बाद में मिल जाए बीच में मिल जाए उससे कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं होता। वो क्या होता है कि कहीं भी हमको अगर जो दिख गया तो सबसे पहले हमें उसे ही करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 को ऐसे लिख देते हैं, कुछ उसके साथ छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करते, जैसे दिया उसको वैसे ही लिख देते हैं। फिर इंटू दिया है, इंटू लिख दिए, 6 यहाँ पे है, 6 में 3 से भाग करेंगे, 6 में 3 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 में 3 से भाग करेंगे, सबसे पहले हम लोग भाग ही करेंगे, तो 6 में 3 से भाग करेंगे, यहाँ क्योंकि डिवीज़न मेथड है तो यहाँ डिवीज़न सबसे पहले, तो 6 में 3 से डिवाइड जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, +8 लास्ट में है उसको लिख देंगे। अब उसके बाद आखिर, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मल्टीप्लाई यम दिया हुआ है, यानी कि गुणा करना है हमको, तो गुणा करना, देखिए यहाँ पे हमको पहले मिल गया तो इसमें 4 × 2 = 8, अच्छी बात है, सही मुहूर्त था, सही चीज़ लिखे तो यहाँ पे हमको पहले मिल गया, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, +8 पहले का है, अब 8 कितना हो जाएगा, 16, अब इसका जो आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके करते हैं, मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आ गया उसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले डी फॉर डिवीज़न, यानी कि डिवीज़न करेंगे, यम फॉर मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर पे आता हमारा मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद आता है एडिशन यानी कि जोड़ना, तो हम लोग लास्ट में क्या किए, जोड़ दिए। इसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन एंड घटाना, इसमें था ही नहीं, जब नहीं था तो उसकी बात ही क्या करनी है, छोड़ देते हैं। देखते हैं कोई और क्वेश्चन, देखिए
अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या दिया हुआ है, इसमें देखिए दो दो डिवीज़न दिया हुआ है, मतलब एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे दिया है, दो दो जगह दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया ही नहीं। देखिए अगर जो ऐसा क्वेश्चन मिल जाता तो इससे भी बिल्कुल घबराना है, दो दिया हो, तीन दिया हो, चार दिया, पाँच, अगर दो दिया है तो सबसे पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, दोनों डिवीज़न को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, या तो बारी बारी आप सबके पहले इसको कर लीजिए पूरी के मतलब पूरे एक्सप्रेशन को लिख लीजिए, उसके बाद फिर उसको लिखिए, कोई बात नहीं होता है, या तो दोनों को साथ में कर दीजिए। जैसे देखिए छः में तीन से भाग करेंगे हमारा आ जाएगा दो, सबसे पहले हमको डिवीज़न ही करना होता है, कहे कहीं भी रहे, बीच में रहे, किनारे रहे, साइड में रहे, पहले रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, जहाँ भी दिखा डिवीज़न सबसे पहले, नहीं दिखा तो छोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई उसके बाद आता ही नंबर है ना बड़े बाबू का, तो उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। देखिए छः में तीन से भाग करेंगे दो आ गया, उसके बाद 24 को ऐसे लिख दें, बाकी चीज़ों के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, किसी को कुछ छेड़ेंगे नहीं, जैसा दिया उसको वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ डिवीज़न है तो डिवीज़न को ही छेड़ेंगे, माइनस है माइनस लिख देते हैं। 25 है उसमें पाँच से भाग देंगे, देखिए वहाँ भी डिवीज़न है, यहाँ भी डिवीज़न है, यहाँ भी डिवीज़न है, मतलब दोनों को साथ में कर देते हैं एक ही बार में, एक ही लाइन में कर देते हैं, इसको यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर देते हैं, 25 में पाँच से भाग देंगे आ जाएगा 25। अब देखिए क्या है, उसके बाद है एडिशन, मल्टीप्लाई करना था ना, मल्टीप्लाई का कोई साइन हमको दिखाया नहीं तो उसको छोड़ देते, जो चीज़ है ना उसकी बातें क्यों करनी है, उसको छोड़ देते हैं। अब 24 में देखिए एडिशन है, यानी कि ए, यानी कि इसका जो है यहाँ पे प्लस है, यानी कि जोड़ना है, 24 और 2 को जोड़ना है तो कितना जाएगा, इसको तो घटाना होगा ना, उसको तो उसकी बात ही नहीं करेंगे क्योंकि जोड़ने वाली चीज़ को एक साथ में करेंगे, 24 और 2 को जोड़ेंगे आ जाएगा 26, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 ए वाला, और 26 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 21, इसका आंसर कितना हो गया 21 हो गया। ऐसे सॉल्व करते हैं, कहीं डिवीज़न देखा तो पहले, मल्टीप्लीकेशन देखा उसके बाद, एडिशन देखा उसके बाद, वो फिर लास्ट में आता है हमारा घटाना, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, अब देखें इस क्वेश्चन में, देखें इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कई जगह मल्टीप्लाई आया है, कई जगह डिवाइजन का रूल आया, कई जगह मतलब भाग करना हमको, कई जगह हमको गुणा करना, कई जगह जोड़ने का आया है, तो देखिए अगर जो ऐसा आया तो कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमको मिलते ही रहेंगे, डरना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि सिंपल सा रूल है, DMS मेथड है, तो DMS मेथड हमको जहाँ जहाँ हमको डिवाइड करना को मिले सबसे पहले हम वहाँ वहाँ डिवाइड कर देंगे, कोई बात नहीं कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है। देखिए सबसे पहले डिवीज़न करना है, यानी कि डिवीज़न हमारा देखिए दो जगह यहाँ पे दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको हम लोग सबसे पहले उसको करते हैं। देखिए 4 × 8 है, इसके साथ बिल्कुल इसको छेड़ेंगे नहीं, समझ लीजिए इसको, अपनी बहन समझिए, इसको ऐसे ही लिख देंगे, 4 × 8 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 दिया हुआ है, माइनस यहाँ कर लेंगे, 12 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आगे क्या आता है, फिर प्लस है यहाँ पे, प्लस लिख दिए, 84 में 14 से भाग देंगे, आप जानते हैं 14 × 5 = 70 होता है, 14 × 6 = 84 होता है, यहाँ पे 6 आ गया। फिर उसके आगे क्या देखते हैं, फिर गुणा का है तो उसको तो बिल्कुल छेड़ेंगे ही नहीं, जैसे है वैसे उसको रहने दीजिए, उसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। फिर प्लस 11 है, फिर इंटू 3 है, हमारा डिवीज़न का काम हो गया बिल्कुल ख़त्म, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इस पर मल्टीप्लाई पे आ जाते हैं, हमको गुणा करना है, गुणा कहाँ कहाँ करना है, देखिए एक गुणा यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, तीन जगह दिया है, कोई बात नहीं, तीन जगह दिया हो या 10 जगह दिया हो, 20 जगह दिया हो, कितने भी जगह दिया हो, वरना तो यार जगह एक ही जैसा है। 4 में 8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 32, फिर -3 है, इसको ऐसे लिख दिए, बाकी को साथ आराम से जैसे जो है उसको लिख देते हैं। प्लस 6 में 5 करेंगे 23, फिर प्लस 11 है, 3 में यहाँ देखिए इसको गुणा किए 30 आया, अब इसको गुणा कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 11 × 3 = 33 आ जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा आता है काम जो बचता है तीसरा काम, वो होता है एडिशन, यानी कि अब हमको जोड़ना है, तो जोड़ना है क्या क्या जोड़ना है, 32 है 30 है 33 है, देखिए माइनस है घटाना इसको है, तो इसको जोड़ देंगे, देखिए 30 × 3 = 90 जाहिर सी बात हो जाएगा, 30 30 30 × 3 = 90 हो जाएगा, 30 × 3 = 95 95 हो जाएगा,
हो जाएगा 95, इसको 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 जोड़ दिए 95 माइनस 3, इसको यहाँ नहीं छेड़े हैं, इसको अब छेड़ेंगे, 95 में से 3 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा 92, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें समझ में आएगी, चाहे 3 जगह डिवीजन हो, चाहे 4 जगह मल्टीप्लाई हो, चाहे 8 जगह जोड़ना हो, चाहे 12 जगह घटाना हो, कोई मतलब नहीं, एक सिस्टम से चलें। कभी भी अगर जो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मतलब पहले प्लस दिया माइनस दिया फिर बीच में भाग दिया हो फिर लास्ट में जोड़ने वाला हो फिर अरे कभी भी कुछ भी ऐसे दिया हुआ हो, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले डिवीज़न करना है, डिवीज़न नहीं तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं दिया तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करना ही करना है लास्ट में। लेकिन जो कहीं आपको ये चीज़ें दिख गई डिवीज़न मल्टीप्लाई बीच में लास्ट में किनारे ऊपर नीचे, सबसे पहले वो करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं ब्रैकेट मेथड, जिसे BODM से बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।